धोखाधड़ी करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों पर महाराष्ट्र पुलिस ने किया मामला दर्ज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव पांडे और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लैट, जमीन, ऑफिस या कोई भी चीज हो, ये गिरोह ऐसा है जिनके ऊपर दर्जनों मामला दर्ज है, मगर अब तक महाराष्ट्र पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आइए हम जानते हैं उस पीड़ित से। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, आपके साथ क्या हुआ, किस तरीके से? मेरा नाम हितेश भुरालाल जैन, मैं हफीज और एक सीताराम करके इनसे, इनके ब्रोकर है, इनके थ्रू एक प्रॉपर्टी विजिट किया था, पारिक कॉरपोरेशन, जिसके चार पार्टनर है, मनोज सिंह, सुरेखा नारकड़े, सरिता सिंह और ललित नारकड़े, सब 25% के पार्टनर्स हैं। इन्होंने कंपनी बेचने के हिसाब से पेपर मार्केट में फ्लोट किए और इस संदर्भ में मैं सीताराम जी से मिले और उन्होंने मुझे पेपर दिए। प्रॉपर्टी हमने विजिट की, हमको बहुत अच्छी लगी प्रॉपर्टी और उनसे एक फेस टू फेस मीटिंग रखा। हमारी कुछ नक्की हुई प्रॉपर्टी की कि 29 करोड़ 21 लाख में हम ये प्रॉपर्टी उनसे खरीदेंगे। तो इन्होंने हमसे 1 करोड़ टोकन मांगा। मैंने बोला मैं 50 लाख रुपया टोकन देता हूँ और उसके बाद मुझे टाइम फ्रेम चाहिए और बार्टर एक्सचेंज होगा तो हम काम कर सकते हैं करके। तो बोला ठीक है, बार्टर एक्सचेंज में आप क्या दोगे? मेरे पास 17 करोड़ का प्रॉपर्टी है प्लस 1 करोड़ की पार्किंग है। तो हमारी वो म्यूचुअल कंसर्न, इनके बड़े सॉलिसिटर है मिस्टर विनोद मिस्त्री करके, जो पार्ला में उनका ऑफिस है, उनके ऑफिस में हम लोग गए और मेरी तरफ से मेरे एडवोकेट थे मिस्टर अशोक पुरोहित, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है और जो अशोक विनोद मिस्त्री सर से अच्छी जान पहचान भी रखते हैं, और हमने उनके ऑफिस में विजिट किया। सब पेपर एक दूसरे के साथ अरस परस करने के बाद उनको 50 लाख टोकन दिया और फिर 1 साल के मुद्दत का टाइम लिया कि 6 महीने से 1 साल के अंदर मैं आपका प्रॉपर्टी लूँगा और उसमें मुझे 3 करोड़ रुपये देने रहेंगे इनको और बाकी का बार्टर एक्सचेंज है 17 करोड़ रुपये का वो करेंगे और 10 करोड़ का लोन लेंगे। इस तरीके से लगभग हमको 29 करोड़ 21 लाख रुपए का जो फिगर बनाना था उस तरीके से हमने पेमेंट का बना लिया। 50 लाख टोकन डालने के बाद मैंने कुछ मेहनत की, इनकी खाली प्रॉपर्टी थी उसको क्विकर मेरे दोस्त लोगे, तो अपने दोस्त के थ्रू क्विकर से टच किया। क्विकर को जैसे ही मैंने रेंट पे अलॉट किया, LOI साइन किया, उन्होंने 90 लाख का मुझे चेक दिया और LOI साइन करने पर मैंने उनसे LOI डायरेक्ट मनोज सिंह को दिलवा दिया पारे कॉरपोरेशन के नाम से, क्योंकि ये विश्वास रखा कि शायद मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी करके, क्योंकि काफ़ी मीटिंगें हो चुकी थी, आदमी सज्जन लगे। तो मैंने भी चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते करते उन्होंने बोला हो जाएगा, आप दस्तावेज तो करिए। तो उन्होंने एक नकली पावर बनाई, एक नया डीड बनाया नकली। मैंने बोला भाई जब तक तू MOU बना के मेरा नाम नहीं डालेगा तो मुझे बैंक लोन देगी नहीं, तो मुझे बैंक लोन के लिए मुझे पार्टनरशिप डीड में है ना तुझे एंडोर्स करना पड़ेगा और उसके सामने अपन एक MOU बना लेते हैं जिसमें मेरी कंपनी 17 करोड़ का बार्टर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो छोटा ही अमाउंट बचेगा उतना मैं आपको लोन दिला दूंगा और जब तक लोन सेंक्शन नहीं होगा आप प्रॉपर्टी में मेरा नाम मत डालना और उसी हिसाब से हम लोग परसेंटेज में मेरा रेशियो बढ़ाते जाएंगे। सब कुछ तय मुताबिक होने के बाद उन्होंने फर्जी पावर पार्टनरशिप डीड बनाई, उसमें मेरा नाम एंडोर्स किया। एंडोर्स करने के बाद मैंने वो HDFC बैंक में और पंजाब नेशनल बैंक में लोन एप्लीकेशन मूव किया, तो पंजाब नेशनल बैंक में 8.25 करोड़ का लोन सेंक्शन हुआ मेरे को प्रिंसिपल सेंक्शन, और HDFC में फाइनल सेंक्शन 10 करोड़ का मेरा सेंक्शन हुआ। फिर मैंने बोला भाई अभी कर लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं पहले है ना मेरे को क्विकर का है ना जब तक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा ना तब तक मैं तेरे को है ना पार्टनरशिप डीड नहीं दूंगा। तुम एक काम करो, अभी तेरा लोन सेंक्शन तो हो गया 10 करोड़ का और 17 करोड़ का ये हो गया अपना कंपनी का काम, तो अभी सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट बाकी है। मैं बोला भाई 90 लाख रुपये का क्विकर का डाउन पेमेंट आ गया तेरे पास, 50 लाख मैंने दिया हुआ है, बाकी का मैं PDC दे देता हूँ, मेरा नाम डाल दे और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बोलते नहीं तुम डॉक्यूमेंट रजिस्टर करो, नेक्स्ट डे है ना मैं तुमको कंपनी दे दूंगा, जब तक क्विकर वाला मेरे को रजिस्टर करके नहीं देगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन क्विकर के कुछ टर्म्स कंडीशन थे, उनको उनके हिसाब से ऑफिस बनाना था, मैंने फर्नीचर बनाया, बाहर से बिल्डिंग को कलर किया, एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर बनाया, ग्राउंड फ्लोर बनाया, पूरा करते करते मेरा अच्छा खासा करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया।
फिर ऑल ऑफ सडन जिस दिन क्विकर का 19 नवंबर 2018 को डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ, इसने तुरंत 29 नवंबर को फोन कर दिया कि भाई मेरे को अभी आगे नहीं बढ़ना है, तुम तुम्हारा हिसाब पैसा ले लो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा हिसाब दे दो। तो बोलते ठीक है, कितना बनता, मैं क्विकर का आपको एक साल का रेंट भी दे दूंगा, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मुझे झगड़ा नहीं करना था। मैंने हिसाब लिख के सीताराम भाई को भेज दिया, बोला 5 तारीख के पहले आपको पैसा हो जाएगा। उन्होंने 50 लाख का एक चेक दिया, वो बाउंस हो गया। फिर 15 लाख का एक चेक दिया, वो बाउंस हो गया। फिर 15 लाख का एक आर्किटेक्ट का चेक दिया, वो बाउंस हो गया। सबको स्टॉप पेमेंट करके उधर के उधर खड़े हो गए। फिर जब भी फ़ोन करे फ़ोन उठावे नहीं। फिर एकनाथ खड़से का कभी धमकी देवे कि एकनाथ खड़से साहब मेरे खास है, मैं जब चाहूँ जिधर चाहूँ उनको बुला सकता हूँ। छगन भुजबल का फ़ोटो दिखा के डरावे कि भाई ये देखो छगन भुजबल के साथ में बुके उनके कैबिन के अंदर, वो मिनिस्टर मेरे को गले लगाता है, वो भी कुछ फ़ोटो उन्होंने दिखाए। अभी मॉफ थे क्या थे मुझे नहीं पता। फिर एक उन्होंने लाइव वीडियो भी मुझे सेंड किया उनका, किधर इंटरव्यू हुआ था जिधर मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई थी, उसमें बोले जमीन से लेकर मुकेश अंबानी तक मैं पहुंचा। वो वीडियो का मैं लिंक भी आपको भेज दूंगा, वो भी दिखा था कि मैं अभी आज की तारीख में मुकेश अंबानी जितना पैसे वाला हो जाऊंगा और उधर नज़दीक पहुंचने आया हूं। ऐसी बड़ी ये मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, ये कौन लोग थे, ये कौन सा गिरोह है, क्या इन्हें आप हमें इनकी तस्वीर वगैरह या आपने कहीं पे FIR रजिस्टर करवाया महाराष्ट्र पुलिस में तो वो दिखाना चाहेंगे? सर महाराष्ट्र पुलिस में काफ़ी मेहनत करने के बाद पुलिस आयुक्त ने मेरे को सपोर्ट किया है। ये पुलिस आयुक्त की FIR है जो अभी रजिस्टर्ड हुई, मुझे आफ्टर 2 साल स्ट्रगल करने के बाद ये FIR रजिस्टर कर पाया। और ये मेन कल्प्रेट के कौन कौन सदस्य हैं ये भी दिखा दो। ये सुरेखा नारखड़े द मेन कल्प्रेट पर्सन जिन्होंने 2 साल अपने जीवन में जेल के पीछे निकाले हुए, और इनके ऊपर मल्टीपल FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। मीरा रोड में FIR रजिस्टर्ड हुई है, पालघर में इनका फोटो आया न्यूज़पेपर में कि भाई ये फ्रॉड लोग है करके, इनका काम है स्कैम करके फ्रॉड करो, दूसरों की प्रॉपर्टी लो, थोड़ा सा पैसा देके MOU बनाते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा मार जाते हैं। ऐसे इन्होंने ढाबे भी करे हुए, कुछ बियर बार भी खोले, बहुत सारे मल्टीपल इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, और जुए खाने भी खोल के रखे हुए, बहुत सारे इलीगल ड्रग्स के अंदर सेवन करते हैं। और ये है मेन इनके सलाहकार, एक दूसरे साथ में रहते हैं मिस्टर मनोज सिंह, ये दोनों ने मल्टीपल स्कैम किए हुए हैं हर एक क्षेत्र में, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिन्होंने स्कैम नहीं किया पैसे को लेकर। इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 8 करोड़ 8.25 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, L&T फाइनेंस को इन्होंने 10 करोड़ रुपए का चूना लगाया है से मिनिस्टर, और खड़से साहब का रेफरेंस, गुलाब राव पाटिल का रेफरेंस लेके बोलता मैं जो चाहे वो करा सकता हूँ, किसका भी बिल्डिंग गिरा सकता हूँ, किसको भी जेल में डलवा सकता हूँ। इस चक्कर में आदमी बैकफुट पे चला जाता है और काम नहीं करता है, डर जाता है, और इनके खिलाफ कभी कभी आवाज़ नहीं उठती है। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई इनके खिलाफ में और FIR दर्ज करवाया, और आज की तारीख में अभी ये भाग के बैठे हुए हैं। ये ललित नारखड़े, ही इज ऑल्सो द प्राइम सस्पेक्ट। ये मनोज सिंह की धर्मपत्नी सरिता सिंह, तो मैं सिर्फ सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनसे सतर्क रहे और भी कोई नए झांसे में नहीं आवे। इनका काम है पेपर फोर्जरी करके सरकार के सिक्के बनाना, LLB का एडवोकेट का इसने स्टैम्प बनाया हुआ है वो भी फर्जीवाड़ा है, मतलब हर एक पेपर इनके पास फर्जीवाड़े का तैयारी। और ये भी इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, ये भी मिस्टर डॉक्टर पृथ्वी पॉल सिंह करके, वो जब जेल में जा रहे थे तो जाते जाते मनोज का नाम डाल दिया और इस तरीके से ये प्रॉपर्टी पे जाके बैठ गए। इनकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है, समझो एक टाइप का गिफ्ट डीड का काम करके इन्होंने ये प्रॉपर्टी पारे कॉरपोरेशन पे सबको आज स्कैम में सबको फंसाते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली ये सीरीज चालू ही है, एक ना एक आदमी सब टोकन डालते हैं और सबका टोकन खा जाता है। और सबसे बड़ी बात, दोनों बैंक L&T फाइनेंस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दोनों को चूना लगाया है, और चूना लगाने का इतना बड़ा स्कैम है। आपस में दो दोस्त मिलते हैं, ओया वाला करके बोलता मेरा दोस्त है, उसके साथ में नकली लीव एंड लाइसेंस बनाया,
रजिस्टर्ड किया, उसके ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में लोन ले लिया 7-8 करोड़ रुपए का कि मेरा 15 साल का लोन है या 9 साल मेरे को लीज पे दे रहा हूँ सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, ऐसे करके इनके है ना जो रजिस्टर्ड लीज एंड लाइसेंस डीड है ना वो भी फर्जी, आपस में दो दोस्त ने मिलकर रजिस्टर्ड किया और बैंक को चूना लगा दिया। आज की तारीख में उनकी प्रॉपर्टी पे कोई कुछ नहीं है, खाली पड़ी हुई है और बैंक का मीटर चालू है और किसी कर का भी पैसा खा गए सर। थैंक यू। इस मामले में 2 महिला सहित 2 पुरुष पर मामला दर्ज हुआ है। दर्जनों मामले दर्ज होने के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस की गिरफ्त से अब तक ये आरोपी बाहर चल रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है या नहीं, या फिर ये किसी और को शिकार बनाने के चक्कर में है। इंद्रदेव पांडे के साथ शुएब मियानूर, मुंबई।